बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने फाइल्स और टाइप ऑफ फाइल्स की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम व्हाट इज डेटाबेस एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेटाबेस की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि एक रिकॉर्ड मल्टीपल फील्ड्स का मजमुआ होता है, जो कि यानी लॉजिकली रिलेटेड डेटा का मजमुआ होता है। इस तस्वीर में ये नाम क्या है, ये एक फील्ड है, जिसमें ये एलेक्स क्या है, ये डेटा है। तो क्योंकि ये एक रिकॉर्ड है जिसमें मल्टीपल फील्ड्स हैं, ये नाम है, फोन नंबर है, वो नंबर है, तो अब ये कहलाएगा कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, यानी एक रिकॉर्ड। और अब अगर आप मल्टीपल एक जैसे रिकॉर्ड्स को एक जगह गैदर कर दें, एक जगह रख दें, तो ये कहलाएगी एक फाइल। और दोस्तों, डेटाबेस क्या है? अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा, लॉजिकली रिलेटेड फाइल्स दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट कैन इजीली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेट। यानी जब आप मल्टीपल फाइल्स जिनमें डेटा रखा हुआ है उन्हें एक जगह इस तरतीब से रख दें, तो ये लॉजिकली रिलेटेड फाइल्स अब कहलाएंगी डेटाबेस। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ इन्होंने ये भी बता दिया कि हमने इन फाइल्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में तरतीब में क्यों रखा, ताकि बाद में जब हमें फाइल्स में से किसी डाटा को निकालना हो, डाटा में कोई तब्दीली करना हो, तो हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाए। दोस्तों, इसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक अलमारी है जिसमें आपका और आपके घर के तमाम लोगों का सामान एक ही जगह एक ही रैग में रखा हुआ है, यानी डिसऑर्गेनाइज्ड वे में बेतरतीब रखा हुआ है। लेकिन ऐसे ही एक दूसरी अलमारी है जिसमें आपका सामान अलग अलग रैग में प्रॉपर तरतीब से रखा हुआ है। इसी तरह घर के तमाम अफराद का सामान भी तरतीब से अलग अलग रैग में रखा हुआ है। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर आपको दोनों अलमारी में से अपना कोई सामान निकालना है, तो कौन सी अलमारी में से सामान को ढूंढना और फिर निकालना आसान होगा? जी हाँ दोस्तों, अलमारी नंबर दो से, क्योंकि वहां आपका सामान पहले तो एक अलग ही रैग में रखा हुआ है, फिर तरतीब से भी रखा हुआ है, इसीलिए उसको ढूंढने में आपको मुश्किल नहीं होगी। तो दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट डेटाबेस के लिए भी इस्तेमाल किया गया है कि डेटाबेस एक ऐसी जगह है जहां किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा इस तरतीब से रखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन इजीली उस डेटा को निकाल सके और उस डेटा पर इजीली मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। और दोस्तों, ये देखिए कि कंप्यूटर में आप डेटा को किस तरह से, यानी कंप्यूटर के अंदर डेटाबेस में डेटा किस तरह से रखा जाता है। दोस्तों, ये सबसे ऊपर है आपका कंप्यूटर और कंप्यूटर में मौजूद है डेटाबेस। और दोस्तों, डेटाबेस में रखा हुआ है डेटा फाइल्स की शक्ल में, और फाइल्स में डेटा रखा हुआ है रिकॉर्ड्स की शक्ल में। रिकॉर्ड्स में मौजूद है मुख्तलिफ फील्ड्स, और उन फील्ड्स में है रखा गया है डेटा को, और वो डेटा क्योंकि बिट्स की शक्ल में होगा, इसीलिए बहुत सा डेटा मतलब बहुत सी बाइट्स आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाएंगी। इस तरह दोस्तों, डेटाबेस में डेटा को रखा जाता है। अब दोस्तों, आपने डेटाबेस में बहुत सा डेटा तो रख दिया, लेकिन अब आपको उस डेटा को मैनेज भी तो करना होगा कि अगर आप उस डेटा पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहें तो वो ऑपरेशन बिना किसी मुश्किल के बआसानी परफॉर्म हो जाए। जब तो जिस तरह एक कंप्यूटर में तमाम चीजें, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, माइक्रो प्रोसेसर सब मौजूद है, लेकिन यूजर यानी आप अगर उस कंप्यूटर को यूज करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर आपको प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी मदद से आप अपना मतलूबा काम कंप्यूटर से करवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही डेटाबेस में तमाम डेटा रखा हुआ है, अगर आप उस डेटा को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस डेटा पर ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो यहाँ भी हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो यूजर को डेटाबेस में रखे डेटा से इंटरैक्ट करवा सके। और वो सॉफ्टवेयर दरअसल कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों, यहाँ डेटाबेस से मुराद है कलेक्शन ऑफ डेटा, और मैनेजमेंट सिस्टम से मुराद है एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप डेटाबेस में से डेटा को निकाल भी सकें, रख भी सकें, और बआसानी उस पर मल्टीपल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करवा सकें। तो दोस्तों, ये एक डायग्राम देखिए, ये है डेटाबेस जिसमें तमाम डेटा रखा हुआ है, और ये है डीबीएमएस
यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि इस डेटाबेस में रखे डाटा को ना सिर्फ मैनेज कर रहा है, बल्कि अगर यूजर यानी आप इस डेटाबेस में से अपनी मर्जी के डाटा को निकालना चाहते हैं या मजीद डाटा को डालना चाहते हैं या किसी डाटा को सर्च करना चाहते हैं, डाटा में कोई तब्दीली करना चाहते हैं, तो वो काम भी ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की मदद से परफॉर्म करेगा। इन शॉर्ट ये DBMS, उसे याद रखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में DBMS भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये DBMS और एप्लीकेशन प्रोग्राम मिलकर यूजर को इंटरैक्ट करवाते हैं इस डेटाबेस में रखे हुए डेटा से। डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि डेटाबेस क्या होता है और DBMS क्या होता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि डेटाबेस की हमें जरूरत क्यों पड़ी, यानी ये डेटाबेस सिस्टम को बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्योंकि बरसों से हम फाइल सिस्टम पर काम करते आ रहे थे, क्योंकि हम यानी ऑर्गेनाइजेशन अपना तमाम डेटा इन फाइल्स पर मौजूद पेजेस पर मैनेज करती थी, तो फिर डेटाबेस में कंप्यूटराइज फॉर्म में डेटा को रखने की जरूरत क्यों पेश है? तो दोस्तों आइए इसको एक मिसाल से समझते हैं कि एक यूनिवर्सिटी है जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स मैनुअल फाइल सिस्टम पर काम कर रहे हैं, पेजेस पर तमाम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को मैनेज कर रहे हैं। तो अब मान लें ये तीन डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी में, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास है। अब अगर लाइब्रेरी डिपार्टमेंट को किसी स्टूडेंट का डाटा चाहिए तो वो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को इसकी रिक्वेस्ट भेजेगा, और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास तो हजारों स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है फाइल्स के अंदर। अब वो सर्चिंग शुरू करेगा तो उसे वक्त भी लगेगा, और जब फाइल मिल जाएगी तब जाकर वो भेजेगा लाइब्रेरी डिपार्टमेंट को। यानी फाइलिंग का एक ड्रॉबैक ये हो गया कि डाटा को तलाश करने में वक्त लग रहा है। सेकेंड सिनेरियो ये मान लें कि एक ही वक्त में लाइब्रेरी डिपार्टमेंट को भी एक स्टूडेंट का डाटा चाहिए और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को भी सेम स्टूडेंट का ही डाटा चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या करेंगे? तो दोस्तों इसका एक हल तो ये हो सकता है कि जितने डिपार्टमेंट्स हैं उतनी नंबर ऑफ फाइल्स एक स्टूडेंट की बना दें, ताकि अगर एक साथ सबको जरूरत पड़े तो फौरन डाटा अवेलेबल हो हर एक डिपार्टमेंट को। लेकिन दोस्तों इसके लिए तो अगर एक यूनिवर्सिटी में 5 डिपार्टमेंट हैं और 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो एक स्टूडेंट की एक जैसी 5 फाइल्स यानी 5000 फाइल्स बनवानी पड़ेगी, और उन 5000 फाइल्स को फिर कहीं रखना, मैनेज करना, और सबसे बड़ा मसला कि एक जैसा डाटा 5 दफा रिकॉर्ड में रखना, ये तो सरासर बेवकूफी है। यानी जो फाइल सिस्टम का दूसरा ड्रॉबैक है वो ये है कि एक जैसे ही डाटा के मल्टीपल रिकॉर्ड्स रखने होंगे, और ये कहलाता है डाटा रिडंडेंसी। और दोस्तों फाइलिंग सिस्टम का तीसरा ड्रॉबैक ये है कि मान लें आप एक स्टूडेंट हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाटा लिख रहे हैं, और अगर आप फॉर्म में गलती से कोई डाटा गलत लिख दें तो फिर कोई रोकने वाला भी नहीं है, विच मीन्स के फाइल सिस्टम में अगर गलत डाटा एंटर हो रहा है तब भी कोई चेक नहीं लगा सकते। यानी डाटा को एरर फ्री करना भी फाइल सिस्टम के अंदर मुश्किल है। और दोस्तों ये चौथा सिनेरियो ये देखिए कि अगर स्टूडेंट के किसी रिकॉर्ड में डाटा में तब्दीली करनी पड़े, स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो गया है, तो फिर अगर एक स्टूडेंट की 5 फाइल्स हैं तो 5 फाइल्स में उस डाटा को अपडेट करो, और इसके लिए आप उसी डाटा पर तो अपडेट नहीं कर सकते, एक न्यू पेज पर दोबारा से सब डाटा लिखना पड़ेगा, तब जाकर डाटा को अपडेट करना पड़ेगा। और मजीद अगर आपने जिन पेजेस पर डाटा को लिखा है उन पेजेस का फॉर्मेट तब्दील करना चाहें तो उसके लिए भी नए सिरे से तमाम डाटा उन न्यू फॉर्मेट वाले पेजेस पर लिखना हो। यानी फाइलिंग सिस्टम में डाटा को भी, और अगर आप फाइल्स के फॉर्मेट को भी चेंज करना चाहते हैं तो ये भी बहुत मुश्किल काम है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम वजूहात की बिना पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को बनाया गया। तो ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, डाटा इंटीग्रेशन इन डेटाबेस। इंफॉर्मेशन इज कोऑर्डिनेटेड ऑन डिफरेंट फाइल्स एंड ऑपरेटेड ऑन अ सिंगल फाइल। दोस्तों डाटा इंटीग्रेशन से मुराद है कि अलग अलग फाइल्स में रखे डाटा को, अलग अलग फाइल्स को आप एक जगह एक सिंगल यूनिट के तौर पर यूज करें, और वो सिंगल यूनिट कहलाता है डाटाबेस। और फिर क्योंकि तमाम डाटा
एक जगह मौजूद है तो उस डेटा को अलग अलग फाइल्स में मैनेज करने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि अलग अलग यूजर्स अपनी मर्जी से डेटा को जब चाहें जहां चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसके लिए आपको हर किसी से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये फाइल ला दो, जिस तरह फाइल सिस्टम में था। अब डेटाबेस में एक जगह डेटा मौजूद है और मल्टीपल यूजर्स उस एक जगह रखे गए डेटा को जब चाहें जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह फाइल सिस्टम में जिस डिपार्टमेंट को भी फाइल की जरूरत होती थी वो पहले रिक्वेस्ट डालता था, फिर उसकी फाइल को सर्च किया जाता था, फिर जाकर उसको फाइल मिलती थी। लेकिन यहाँ एक जगह पर तमाम डाटा, तमाम फाइल्स रखी हुई हैं। अब सिर्फ फाइल का नाम डीबीएमएस में लिखें और फाइल हाजिर है। और अगर एक वक्त में दो लोग एक ही फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो डेटाबेस सिस्टम के थ्रू ये भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आपने अलग अलग जगह पर रखे डेटा को अब डेटाबेस सिस्टम के जरिए सेंट्रलाइज्ड कर दिया, तो यूजर के लिए अब डेटा को एक्सेस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसीलिए डेटा इंटीग्रेशन को डेटा सेंट्रलाइजेशन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, डेटाबेस को बनाने का जो दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है वो है डेटा इंटीग्रिटी। इन डेटा इंटीग्रिटी द डेटा इज मोर कंसिस्टेंट। यानी दोस्तों, एक डेटा तब कंसिस्टेंट माना जाता है जब ना ही उसमें कोई एरर हो, यानी ना ही उसमें किसी किस्म की कोई गलती हो, और ना ही आपका डेटा इनकम्प्लीट हो। जबकि फाइल सिस्टम में हमारा डेटा में गलती के चांसेस भी होते थे कि अगर आपने डेटा को लिखते वक्त कोई गलत इंफॉर्मेशन डाल दी तो कोई चेक करने वाला नहीं, और फाइल सिस्टम में डेटा अगर इनकम्प्लीट हो तब भी कोई पूछने वाला नहीं। मान लें आपने एक फॉर्म फिल किया और एड्रेस लिखना भूल गए, तो जिस तरह आपने गलती से एड्रेस लिखना भूल गए, ऐसे ही यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट गलती से चेक करना भी भूल गए। लेकिन इसके नतीजे में आपका डाटा तो इनकम्प्लीट स्टोर हुआ। यानी फाइल सिस्टम में डाटा में ना सिर्फ एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं बल्कि डाटा इनकम्प्लीशन के चांसेस भी होते हैं। जबकि डेटाबेस सिस्टम में अगर कोई यूजर एक फॉर्म के जरिए डाटा फिल कर रहा है और फॉर्म में वो किसी फील्ड में डाटा लिखना भूल भी गया है, तो वहां आप चेक इन लगा सकते हैं कि जब तक कि तमाम फील्ड्स पूरी फिल नहीं होंगी, फॉर्म सबमिट भी नहीं होगा। यानी इन डेटाबेस डेटा इज कंप्लीट। और अगर आपने किसी फील्ड में गलत डेटा डाल दिया है, मिसाल के तौर पर आपकी एज है 20 और आपने यूनिवर्सिटी फॉर्म पर एज डाल दी है गलती से 10, तो अब वहां भी क्योंकि आप चेक इन लगा सकते हैं, वहां भी चेक इन लगा हुआ है, तो फॉर्म आपको तो फौरन आपको पता लग जाएगा उस चेक इन के मैसेज के जरिए कि एज बिलो देन 20 कैन नॉट फिल दिस फॉर्म। और इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका एंटर करदा डाटा जो है वो गलत है। यानी ना सिर्फ डेटाबेस सिस्टम के जरिए आपका डाटा कंप्लीट होता है बल्कि एरर फ्री भी होता है। तो फाइल सिस्टम के मुकाबले में डेटाबेस सिस्टम में रखा गया डाटा ज्यादा कंसिस्टेंट होता है। और दोस्तों, इसका लास्ट ऑब्जेक्टिव देखिए, डेटा इंटरडिपेंडेंस। डेटाबेस अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा टू बी चेंज्ड विदाउट द नीड टू रीप्रोग्राम। यानी दोस्तों, डेटाबेस में अगर आप किसी फील्ड का नाम चेंज करना चाहें, किसी डेटा में तब्दीली करना चाहें, फाइल का फॉर्मेट में तब्दीली करना चाहते हैं, तो उसका असर आपके डेटाबेस में रखे तमाम डेटा पर नहीं होता, ना ही आपको एक जगह तब्दीली करने पर पूरे डेटाबेस में रखे डेटा पर तब्दीली करनी होगी। जबकि फाइल सिस्टम में अगर हमारे डेटा में या फिर पेज के फॉर्मेट में या फिर फाइल के फॉर्मेट में कोई तब्दीली करनी होती थी तो उसका असर तमाम चीजों पर होता था, डेटाबेस पर भी पड़ता था, फाइल सिस्टम पर भी पड़ता था, फॉर्मेट्स को भी चेंज करना होता था। यानी एक चीज को चेंज करने पर हमें तमाम चीजों को चेंज करना होता था। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे तमाम ऑब्जेक्टिव्स डेटाबेस सिस्टम्स को क्रिएट करने के। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ, जिसमें हमने ये देखा कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, और एक डेटाबेस को बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। अगले लेक्चर में हम डेटाबेस मॉडल्स की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।